सिलीगुड़ी से 1 घंटे के रास्ते पे है गौजलडोबा, ये तिस्ता बैरेज है, तो वहाँ मैं आज आपको लेके चलूँगी। और ये एक अनादर टूरिस्ट स्पॉट बना है एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए मेरे साथ एक दिन हम बिताते हैं कुछ घंटे गौजलडोबा में। बहन के फ्लैट से हम लोग सब निकले हैं, तो एक इनोवा में हम सबका हो गया, सो हम लोग अब उसी में जाने वाले हैं। सुबह 9 बज रहा है और बहुत ज़्यादा धूप आप देख सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये सारी जगह जो है परफेक्ट है विंटर्स के लिए, बट अभी हम आए हैं तो सोचा सुबह चलिए ब्रेकफास्ट ही वहाँ जाके आज करते हैं। तो कभी गई नहीं हूँ उस तरफ, तो चलिए देखते हैं कैसा है, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, एक और जना जो है वो अभी गाड़ी में चढ़ने वाले हैं, इसलिए उसके बाद हम लोग गौजलडोबा के लिए निकलेंगे। रास्ते में 1 घंटा टाइम लगेगा और 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड गाड़ी में हम लोग सब बैठे हुए हैं, वी ऑल आर देयर। हेलो बोलो। हेलो। ठीक है, इधर हस्बैंड है और एक जन और उठेंगे, इसमें चढ़ेंगे। सो लेट्स गो। ये है सिलीगुड़ी का बाघा ज्योतिन कॉलोनी, वहाँ से निकल के हम लोग हाईवे की तरह सिलीगुड़ी और अभी शहर के अंदर जो है भीड़ ज़्यादा है, बट जितना हम उस तरफ जाएंगे धीरे धीरे भीड़ घटता जाएगा। इस जगह का नाम है बोईकुंठपुर। और बोईकुंठपुर में देखिए आपको पेड़ काफ़ी घने नज़र आएंगे और जितना आप आगे जाते जाएंगे पेड़ ज़्यादा एंड लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ फॉरेस्ट एरिया जैसा। तो यहाँ पे कहते हैं लेपर्ड्स, चीता वगैरह जो है वो आ जाता है एंड गांव वगैरह में या घरों में घुस जाता है, पेपर्स में निकलते रहता है इस तरीके का खबरें। और ये देखिए रास्ता, हम मेन रास्ते में आ चुके हैं एंड जो बैरिज की तरफ जो रास्ता जा रहा है, देखिए इतना सुंदर ये रास्ता बना है ताकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट बने, क्योंकि अगर रास्ता अच्छा रहेगा तभी लोग जाएंगे और नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता। और ऊपर से देखिए एक फ्लाईओवर बना है, लेकिन फ्लाईओवर अभी 1 साल से बंद है, कुछ काम चल रहा है उसके ऊपर, नहीं तो वो और शॉर्टकट हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत एक टूरिस्ट स्पॉट बना है, जैसे डैम्स वगैरह होता है उसका आस पास का जगह जो है वो बहुत खूबसूरती से मेंटेन भी होता है। और ये रास्ता देखिए कितना स्मूथ है ड्राइव के लिए, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए इन अ वीकेंड सबसे खूबसूरत ड्राइव होगा आपके लिए। सिर्फ आपको चारों तरफ व्यू, सीनरी, पेड़ पौधे मिलेंगे और अच्छा सा रास्ता, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप कहीं जाना चाहते हैं। तो ये एक जगह बना है एंड इसको बहुत हाइप मिल रहा है। और ये देखिए ये जो स्ट्रीम है ये जा रहा है इधर से, बारिश का मौसम है अभी, काफ़ी भरा भरा सा ये है। और अभी बहुत जगह आपको जैसे तिस्ता रिवर वगैरह में आपको अभी उतरने के लिए मना करते हैं बिकॉज़ बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है एंड रिस्की हो जाता है। तो हम लोग अभी आगे की तरफ निकल रहे हैं और इस जो ये नदी जो जा रहा है इसका नाम है कोरोला नदी। और ये देखिए ये कोरोला रिवर का स्ट्रीम है और काफ़ी ज़्यादा पानी अभी इसी में है। सो आप देखिए एक तरफ स्ट्रीम, एक तरफ खूबसूरत रास्ता, दूसरी तरफ फॉरेस्ट, तो बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप सिलीगुड़ी में रुक रहे हैं तो एडवर्स की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन कुछ घंटे आप बैरेज में निकाल ही सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर एक टूरिस्ट स्पॉट बना है, तो इसलिए हम लोग निकल गए सुबह अर्ली सुबह निकले हैं, कोई प्लानिंग तो था नहीं एंड सोचा कि उधर घूम के आते हैं, देखते हैं क्या है। सो ये देखिए हम लोग शहरों में कॉन्क्रीट जंगल देखते देखते इतना बोर हो जाते हैं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना ग्रीनरी, इतना पेड़ पौधा सब कुछ देख कर, कि सच में अगर ये विंटर होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि विंटर्स में क्या है वेदर भी बहुत अच्छा रहता है, बट आज बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोग देखिए पास ही स्ट्रीम के साथ साथ ही निकल रहे हैं आगे की तरफ।
ये देखिए बैरेज, बट हमें घूम के जाना पड़ेगा इसके बिकॉज यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रहा है। जब कंस्ट्रक्शंस रेडी हो जाएगा तो रास्ता भी शॉर्टकट हो जाएगा। तो ऑलरेडी देखिए काफ़ी खाली जगह है यहाँ पे, आपको गाड़ी के अलावा आप नहीं आ सकते हैं। इधर गाड़ी हो या बाइक हो तभी आप आ सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे भीड़ जो है कम है। अगर लोकल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता तो भीड़ भी ज़्यादा होता। तो एनीवेज हम लोग आ गए हैं बैरिज के बिल्कुल पास। वेलकम टू तिस्ता बैरिज लिखा हुआ है और हम लोग बिल्कुल पास आ गए हैं। और ये देखिए बैरिज के ऊपर से जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, इस वजह से हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बैरिज घूमेंगे। पता नहीं कैसे घूमेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो ये ब्यूटीफुल एक पिकनिक स्पॉट है जो आप विंटर्स में यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ का जो फिश एक्सेट्रा जो है ना तिस्ता रिवर का, एक्सेलेंट होता है। मतलब सिलीगुड़ी का जो फिश वगैरह जो है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। एंड इतने वैरायटीज ऑफ फ़िश होते हैं, तो फॉर फ़िश लवर्स इट इज़ रियली गुड। ये देखिए उस तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो शायद उस तरफ रेस्टोरेंट है, तो जाके ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज भूख भी लग रही है। 9 बजे निकले थे, 10 बज रहा है, ऑलमोस्ट एन आवर। और ये जगह भी देखिए कितना सुंदर, नीटली, बहुत नीटली बनाया हुआ है, सो दैट फ्यूचर में ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा और लोग आके यहाँ रहेंगे। इसलिए इस तरीके से सजाया जा रहा है बेसिकली। मुझे नहीं लगता पहले ये जगह इतना खूबसूरत यहाँ पे था। तो डैम के साथ साथ पूरा जगह को भी डेकोरेट किया गया है। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है। तो रेस्टोरेंट में हम लोग अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए गाड़ी से सब उतरते हैं और आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। अभी आए हैं एक रेस्टोरेंट में एंड दैट टू सिलीगुड़ी से यहाँ आए हैं। दिस इज बॉजलडोबा बैरेज के पास आए हैं ब्रेकफास्ट करने और थोड़ा सा बैरेज वगैरह घूमने के लिए। तो एक रेस्टोरेंट में आए हैं, इसका नाम है सात्विक फूड साइकिल, राइट। तो वहाँ पे अभी हमने ऑर्डर दिया है, तो चलिए हमारा ब्रेकफास्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप आके यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एम्बियंस अच्छा है यहाँ का, एम्बियंस इज गुड। तो देखते हैं कैसा खाना है, आपको फीडबैक देंगे। चलिए मेरे साथ। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कर सकते हैं। ये है ब्रेकफास्ट में हमने लिया है पूरी सब्जी एंड कुछ लोगों ने लिया है पराठा, एक ने, दो तीन लोगों ने लिया है आलू पराठा एंड एक ने लिया है मेथी पराठा। तो वैरायटी ऑफ आइटम्स है ब्रेकफास्ट में एंड थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग फ्रेश अगर बना के दे रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है। ये देखिए आलू पराठे के साथ है मिक्स पिकल और उधर है मेथी पराठे के साथ भी है मिक्स्ड पिकल। तो लुक्स टेम्पटिंग, देखने से ही अच्छा लग रहा है, तो खाने में ज़रूर मज़ेदार ही बनेगा। तो एंड हमारा पूरी सब्ज़ी तो सब बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा है। तो चलिए कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, बहुत भूख लगी है और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग सब निकले हैं। थोड़ा इधर मैं उस तरफ जा रही थी, बहुत गर्मी है, धूप है, थोड़ा सा दो एक फ़ोटो लेने के लिए जा रहे हैं। सो अदरवाइज इट्स वेरी हॉट एंड खाना यहाँ, खाना लंच भी है, लंच थाली भी है, बहुत आइटम्स है एंड ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, दे मेक फ्रेश। सो थोड़ा वेट करना पड़ा बट द थिंग्स वर वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। सो एनीवेज कुछ क्लिक्स करते हैं फिर वापस जाएंगे। अब हम लोग जाएंगे बैरिज की दूसरी तरफ और वहाँ पे कुछ दुकान है, वी नो दैट, एंड वहाँ पे फिश जो है फ्रेश जो है रिवर से उठाकर उन लोग फ्राई करके बेचते हैं। सो उसको भी हमें थोड़ा सा ट्राई करने के लिए हम उस तरफ जा रहे हैं। दो वी आर फुल, खाने का बिल्कुल मन नहीं है बट सबको दिखाने के लिए भी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं कि कैसा है। हम लोग भी कभी नहीं गए हैं उस तरफ। तो बैरिज के जस्ट ऑपोजिट साइड में
इस तरफ जो है यहाँ पे कोई इस तरीके का वेंडर्स जो है या छोटा छोटा स्टॉल्स नहीं बैठा है, बट उस तरफ है इस तरीके के स्टॉल्स। तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि बैरिज का दूसरा तरफ कैसा है। तो ये है बैरिज, और हमारा जो है बोकारो डेज याद आ रहा है बिकॉज बोकारो में भी डैम था, और हमारा बिहार में जो है बहुत सारे डैम होते हैं और बहुत डैम है, वो वैसा ही फील है यहाँ पे। और डैम्स में जो है बिकॉज हमारे स्कूल से लेके जाते हैं थे फॉर पिकनिक्स एंड ऑल, तो वहाँ पे भी वैसा ही एब्सोल्युटली लग रहा है देखने में, पिकनिक स्पॉट्स एंड ऑल। एंड बहुत अच्छी तरीके से इसको अब सजाया भी जा रहा है सो दैट और लोग यहाँ आए, एंड धीरे धीरे वीडियोस के माध्यम से लोग जान भी रहे हैं ये भी एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। ये देखिए पानी काफ़ी छोड़ा जा रहा है बिकॉज मानसून के टाइम पे पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है, और सिक्योरिटी यहाँ का काफ़ी टाइट भी है बिकॉज डैम्स में वैसे भी सिक्योरिटी थोड़ा टाइट ही होता है। और ये देखिए पानी निकल रहा है, सो धूप है, अदरवाइज़ बहुत इन्जॉयबल एक जगह है, अच्छा लग रहा है फॉर अ चेंज यहाँ आकर। सो ये देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको देखकर ही पता चलेगा, और क्योंकि पेबल्स एंड ऑल पड़ा हुआ है, एंड इसको इस साइड भी शायद डेकोरेट वगैरह करेंगे, रास्ते को ठीक करेंगे, तो इस वजह से तो हम लोग तो अभी यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, स्माइल तो आ रहा है लेकिन धूप में पागल हो रहे हैं हम लोग। तो मैं सजेस्ट करूंगी सबको कि अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो विंटर्स में आइए, समर्स में बिल्कुल मत आइए इस टाइम पे, और समर्स में अगर आपको आना भी है तो थोड़ा शाम के टाइम आए। हम लोग आए हैं तिस्ता बैरेज, दिस इज़ तिस्ता बैरेज, और बैरेज में अभी पानी छोड़ा जा रहा है, बरसात का मौसम है तो काफ़ी पानी छोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं। इतनी धूप है कि हम यहाँ खड़े भी नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा धूप है, बट द प्लेस इज़ नाइस, बहुत सीरीन। और ये देखिए पानी किधर जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत दूर तक पानी जा रहा है, एंड इट इज़ फ्लोइंग। उधर कुछ लोगों को देखा कि वो लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, क्योंकि डैम के पानी में जो फ़िश होता है वो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, इस वजह से डैम के आसपास जो है ना काफ़ी सारा छोटा छोटा शॉप्स है जहाँ पे जो फूड स्टॉल्स है जहाँ पे फ्रेश फिश जो है फ्राई करके आपको देंगे, आपके अनुसार आपको जो भी खाना है, क्रैब्स है एंड वेराइटी ऑफ प्रॉन्स है, फिर वेराइटी ऑफ अदर फिशेस है, सो वो सब का वेराइटी ऑफ आइटम्स है, तो वो सब खाने के लिए लोग एक्चुअली इधर आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन अट्रैक्शन। ये देखिए क्रैब्स रखा हुआ है, बड़ा प्रॉन्स है, छोटा प्रॉन्स है, फिश हेड्स है, और चॉप्स वगैरह भी इस प्रॉन्स से बनाते हैं, बट थोड़ा और हाइजीन मेंटेन करते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट एनी वेज कांट हेल्प, जहाँ जैसा है वैसा है, लोग खाते तो हैं, बट मैं आपको दिखा रही हूँ दिखाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लोग खाते हैं या क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं। तो ये एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है, और ये फ़िश जो है ये अंदर में था, इसमें कोई फ्लाइज वगैरह नहीं बैठा था। तो ये है बोरोली, दिस इज़ वेरी फेमस फ़िश इन नॉर्थ बंगाल, एंड डेलिकेसी तो है ही, एक्सपेंसिव भी है। तो ये छोटे फ़िश का फ्राई हम लोगों ने खाया, और मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, दो तीन ही खाई बिकॉज मेरे पिछले दिन ही मेरे गले में कांटा चुभ गया था, एंड मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन लेना पड़ रहा है उसकी वजह से, सो मैं थोड़ा डर डर के ही खा रही थी। एंड सेकेंडली हम लोगों ने अब भी ब्रेकफास्ट करा है, एंड मैं बहुत ज़्यादा छोटा फ़िश का शौकीन नहीं हूँ, तो बट अच्छा लग रहा था, गरम गरम वाला सैलड के साथ दिए हैं। तो ये है फ़िश, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो गर्मा गर्म है तो इसलिए मैं अभी दो तीन खा ही ली,
बट अच्छा है. एंड दिस इज़ आई नो दिस इज़ अ डेलिकेसी ओवर हियर. मैं रेस्टोरेंट में भी देख रही थी, सबसे एक्सपेंसिव जो फ़िश के आइटम्स में था ये वाला फ़िश था. इसका नाम है बोरुली. तो बोरुली फ़िश है ये, इस तरीके से लगता है देखने में एंड ये काफ़ी टेस्टी फ़िश है. तो एनीवेज हम लोग वही फ़ैन के नीचे बैठकर यही थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे हैं. और उसके बाद बच्चों ने लिया सब आइसक्रीम और हमने चाय भी ऑर्डर करा है. तो अभी चाय पी के मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ. जो शॉप्स के लिए मैं आपको बोल रही थी ना, छोटा छोटा जो शॉप्स है, फूड स्टॉल्स है इनफैक्ट, तो उसमें कैसा उन लोग फूड बेचते हैं या किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं. तो ये है छोटा छोटा फूड स्टॉल्स. और ये देखिए अभी मैक्सिमम दुकान तो बंद है, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है बिकॉज़ प्रिपरेशन इन लोग को प्रिपेयर करके रखते हैं. क्योंकि प्रेप करके अगर नहीं रखेंगे तो जब लोग आएंगे, एंड मैक्सिमम मुझे जो लगता है 12 o'clock के बाद ही भीड़ भीड़ होता होगा, क्योंकि दैट इज़ द प्रॉपर लंच टाइम एंड लोग यहाँ आके खाते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन देखकर ही पता चलता है. एंड ये देखिए वो डॉगी किधर चला गया है, तो इन्जॉइंग द वाटर. और प्रिपरेशंस जो मैं आपको बता रही थी कि अगर वो लोग पहले से नहीं करेंगे तो फिर जब क्राउड आएगा तो वो मैनेज नहीं कर पाते. और थोड़ा सा उन लोग क्या करते हैं, हाफ़ डन करके रख रहे हैं. जो मैं देख रही थी कि सारे फ़िश को हाफ़ डन करके इसलिए रख रहे हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए, और जब आप ऑर्डर देंगे तो वो पूरी तरीके से आपको फ्राई करके देंगे. ये देखिए नूडल्स वगैरह है, इसका मतलब लोग यहाँ पे आके लंच के टाइम बैठकर लंच करते हैं. बट गर्मी में कुछ भी एंजॉयबल तो नहीं होता है, विंटर होता तो सुपर्ब होता. बट एनीवेज तो ये है इस तरीके साड़े दुकान, और ये पूरा इन लोगों का अभी प्रिपरेशन ही चल रहा है. और ये छोटा छोटा दुकान जो है मुझे लगता है और भी काफ़ी स्टॉल्स बैठेगा इसके बाद, जितना ये पॉपुलर होगा जगह. और दूसरी तरफ जो है उन लोगों का गांव है. तो ये देखिए बैरिज का ये रास्ता काफ़ी ऊंचा बनाया है ताकि अगर कभी फ्लड आए या फ्लड लाइक सिचुएशन आए तो पानी जो है वो गांव के अंदर ना चला जाए. इस वजह से ये जगह जो देखिए काफ़ी ऊंचा बनाया गया है. और उधर एक शिव मंदिर है, और अभी भी देखिए ये जगह काफ़ी खाली खाली है. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं. तो एनीवेज अच्छा ही लगा, कुछ डिफरेंट लगा यहाँ पे. और अभी इतना फुल है कि फ़िश जो है हम ट्राई भी नहीं कर पाएंगे. और वो देखिए पानी, कितना पानी छोड़ा जा रहा है. तो ये देखिए जितना दूर आपका आँख जाएगा उतना दूर रास्ता चला जा रहा है गांव की तरफ. सो वेरी नाइसली मेंटेन्ड प्लेस एंड पॉपुलर तो हो ही रहा है. सिलीगुड़ी से काफ़ी लोग आजकल इधर आते हैं जस्ट टू स्पेंड फ्यू आवर्स. सो एक थोड़ा सा मतलब शहर से बाहर. और हम लोग ये सब देखने के बाद अब वापस जा रहे हैं घर. अच्छा रहा कुछ घंटे, और हम लोग लंच के पहले ही घर पहुंच जाएंगे. बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, एक घंटे का ही रास्ता है. तो सिलीगुड़ी से डुअर्स की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो एक घंटा इधर आप आके कुछ दो चार घंटा बिता ही सकते हैं.